अरे अखिलेश बाबू, ये पैदल कहाँ जा रहे हो खुरपा और फावड़ा लेके? अरे हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुमको तुम्हारे तबेले तक छोड़ देते हैं। मोदी जी रोक ये गाड़ी, अखिलेश को भी साथ बिठा लेते हैं, इनको इनके तबेले तक छोड़ देते हैं। ठीक है योगी जी, हम अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। रुक भाई रुक, अबे झोटा साला हरामी हो गया, रुक नहीं रहा है, रुक गया। आ जाओ अखिलेश, बैठ जाओ तुम भी। अरे अखिलेश तुम पैदल क्यों घूम रहे हो आजकल? तुम्हारा वो जो भैंसा था वो कहाँ चला गया जिस पे तुम बैठ के आते थे? पैदल घूम रहे हो भाई जंगल में, क्या हुआ तुम्हारे साथ? भैंसा कहाँ गया तुम्हारा? अरे मोदी जी, तुमने तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मोदी जी क्या बताऊं, मेरे भैंसे को साले को नई नई जवानी चढ़ रही थी और वो साला एक भैंसिया के संग भाग गया। तो मोदी जी इस वजह से मुझे यहाँ जंगल में मजदूरी के लिए पैदल आना जाना पड़ता है। मोदी जी मुझे भी तुम्हारे जैसा एक भैंसा चाहिए, मतलब तुम्हारे भैंसे जैसा एक भैंसा चाहिए जिसको जवानी का जोश ना मारे। देख लो मोदी जी, अखिलेश भी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, बताओ कैसे दिन आ गए। अरे योगी जी, ये जनता जानना चाहती है कि यूपी चुनाव किसकी वजह से जीते हैं, मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से? योगी जी आज तो बता ही दो किसकी वजह से जीते हैं हम। देखिए मोदी जी, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, यूपी चुनाव सिर्फ मेरी वजह से जीता गया है। जनता ने मुझे वोट दिया है, मेरे बुलडोजर को वोट दिया है, मैंने शहरों के नाम बदल दिए उस चीज के लिए मुझे वोट दिया है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं दिया यहाँ जनता ने। यहाँ सिर्फ जीत हुई है तो मेरी वजह से हुई है मोदी जी। अरे योगी जी, ये कैसी बचकाना बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे नाम पे वोट मिला है? अरे हम पागल घूम रहे हैं यूपी में 2 महीने से, हमको दिल्ली से आए पूरे 2 महीने हो गए और तुम कह रहे हो कि वोट मेरे नाम पे मिला है? अरे तुमने किया ही क्या है यूपी में? तुमने यहाँ बुलडोजर चला दिया, शहरों के नाम बदल दिए, इससे ज्यादा क्या क्या तुमने? शहरों के नाम बदलने से बताओ क्या हो गया? अच्छा मोदी जी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता? फिर मोदी जी तुमने गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों कर दिया? बताओ बताओ बताओ। अरे भैया आते जाइए खाते जाइए, एकदम ताजा वो फ्रेश पकोड़े सिर्फ मोदी जी के ठेले पर। योगी जी जल्दी जल्दी तैयार करिए पकोड़े, पकोड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आइए अखिलेश जी और ओवैसी जी, अखिलेश जी तुम भी खाइए और डिंपल भाभी के लिए भी घर के लिए 1 किलो पकोड़े ले जाइए। उनको बताना कि ये पकोड़े मैं मोदी के ठेले से लाया हूँ, एकदम फ्रेश पकोड़े। अरे मोदी जी तुम्हारे पकोड़े आजकल कुछ ज्यादा महंगे हो रखे हैं, इसलिए मैं ओवैसी के साथ जा रहा हूँ हैदराबादी बिरयानी खाने, क्योंकि ओवैसी साहब कह रहे हैं जब खाना है तो बिरयानी खाओ, ये अकोड़े पकोड़ों में क्या रखा है? अगर तुम मेरे लिए फ्री दे सकते हो तो दे दो, वरना मैं चला बिरयानी खाने। अरे अखिलेश बाबू तुम समझा करो बात को, हम तुम्हारे लिए फ्री नहीं दे सकते, हमारे पास इसके अलावा और कोई धंधा नहीं है। अगर हम फ्री देने लग गए तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा, और ये ओवैसी ओवैसी के चक्कर में कतई नहीं पड़ना, क्योंकि तुम्हें पता है ओवैसी हमारा ही साथ देने वाला है, ये तुमको यहाँ से ले जाके ना बिरयानी खिलाएगा ना पकोड़े खाने देगा। देखिए योगी बाबा, सामने जो जगह है वहाँ मैं एक बड़ा सा बंगला बनवाऊंगा और पूरे 5 साल आराम करूंगा, और वहीं बैठे बैठे पूरे 5 साल तक ट्वीट करूंगा, जनता के बीच में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो योगी जी इसमें आपका ही फायदा है, मैं ये कह रहा हूँ इस जगह पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, वरना नुकसान आपका ही होगा। पूरे 5 साल मैं जनता के बीच नहीं जाऊँगा, जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर मैं योगी जी जनता के बीच जाऊँगा, जिससे जनता को लगे कि हाँ अखिलेश हमारे नेता हैं। देख लो योगी जी, सौदा अच्छा लगे तो। देखिए अखिलेश बाबू, तुम पता नहीं कौन सा नशा करके आए हो, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। अरे तुमको जनता ने अपना विपक्ष का नेता चुना है, उनकी बातों को हम तक पहुंचाओ, हम उनका काम करेंगे। ये तुम पता नहीं कहां से ये मत करना वो मत करना, अरे हमारा बुलडोजर वहां चलेगा जहां कोई अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। योगी का बुलडोजर किसी के साथ नाजायज काम नहीं करता। अरे जनता के बीच रहो, अगर तुमको जीतना है तो हमारी तरह काम करो, ये क्या बंगले में बैठ जाओगे 5 साल, इससे क्या फायदा होने वाला तुम्हारा? अरे ओ मोदी चाचा, ये बर्गर हमें भी खिलाओ जरा, हमने सुना है कि तुम्हारे हाथ के बने हुए बर्गर बड़े स्वादिष्ट होते हैं, क्यों राहुल जी क्या ये सच बात है?
देखो अखिलेश बाबू, मेरे बर्गर का स्वाद मुझसे पता करो, राहुल से क्यों पता कर रहे हो? राहुल को तो खुद अपना नहीं पता वो क्या है। योगी जी तैयार करो दो बढ़िया से बर्गर अखिलेश के लिए, क्योंकि अखिलेश के पास अब कोई काम धाम नहीं है। मैं इसके लिए एक काम और बता देता हूँ। देखो अखिलेश बाबू, अब तुम पूरे 5 साल गायब होने वाले हो, तो मैं तुम्हारे लिए भैंसों का तबेला बना देता हूँ, वहाँ भैंसों की सेवा करना। ठीक है मोदी जी, मैं अखिलेश के लिए 2 बर्गर तैयार कर देता हूँ, मिर्ची थोड़ी तेज कर देता हूँ क्योंकि अखिलेश की जवान कुछ महीनों से बहुत तेज तेज चल रही थी, क्योंकि मेरी साइकिल धर्राटे काट रही है, मेरी साइकिल फर्राटे काट रही है। अरे भैया अखिलेश कहाँ गई तुम्हारी साइकिल? ये नहीं पता कि तुमको योगी का बुलडोजर साइकिल को कुचलता हुआ लखनऊ जा पहुंचा है? धर्राटे काट रही है, धर्राटे काट रही है, कहाँ से आ जाते हैं? लो बर्गर खाओ।